ओके गाइस, मैं मंजू सिद्दीकी, कैड प्रोडक्ट्स माया एंड ब्लेंडर 3D एनिमेटर की तरफ से। तो गाइस चलते हैं अपने पार्ट की तरफ कि हम इसकी स्क्रिप्टिंग किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से हम इसका नॉर्मल मैप निकालना है हम लोगों के लिए, और किस तरीके से हम लोगों के लिए इसका जो है टेक्सचरिंग करनी है। ठीक है, टेक्सचरिंग करने के बाद फिर गाइस हम चलते हैं अपने लाइटिंग के पार्ट की तरफ। लेकिन उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं इसमें कुछ टूल्स बताने जा रहा था। वो टूल्स हैं ये कि गाइस हम ओवीजी फाइल और अपने गोजी फाइल को, दोनों को ही जो माया की फाइल कहलाती है हमारी, इन दोनों को कंप्रेसर करके बताऊंगा मैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर हम गाइस सबसे पहले लेते हैं अपनी वो फाइल जो हमने यहाँ अपने एक्सपोर्ट की है। ठीक है, मेरे पास ये फाइल है, मैंने इसको इंपोर्ट कराया देन एक्सपोर्ट कराया। ठीक है, यहाँ की कंट्रोल डी हाँ। ठीक है, तो सब डिवाइड हो गया। तो गाइस यहाँ आप देख रहे हैं अभी, ठीक है, ये प्रॉब्लम। तो गाइस ये क्या करता है, ओवीजे फाइल पर क्रीज टूल का यूज़ अगर हम करते हैं, ओवीजे फाइल क्रीज टूल को नहीं लेता है, इससे हम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर मैं किसी चीज़ को बनाता हूँ तो उसमें मेरे लिए दोबारा से अपनी फाइल के लिए क्रिएट करना है, या यहाँ पर सब डिवीज़न बनाना पड़ेंगे मुझे उस तरीके से, फिर वहाँ पर मुझे स्क्रिप्टिंग करना पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले यहाँ चलते हैं, मेरे पास जो टूल्स है मैंने यहाँ कुछ पार्ट को क्रिएट कर रखा है, ये देखिए। ठीक है, तो इनको हटा देते हैं यहाँ से, हम समझते हैं ये वाले पार्ट यहाँ सेलेक्ट करूँ वहाँ। ठीक है, यहाँ आओ फिर से क्रिएट टूल के अंदर और यहाँ से हटाओ, ये मुझे क्रिएट टूल चाहिए। ठीक है, मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया इस वाले पार्ट के लिए और यहाँ से क्रीज कर दिया। तो आई यहाँ फ्रंट के अंदर, देन सेट किया अपने इन टूल्स के लिए, इसको पकड़ो यहीं से गाइस और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, शांति, गुड। ठीक है, सेलेक्ट करो और सेट करो, परफेक्ट। तो गाइस अब चलते हैं अपने इस पार्ट को लेके अपने माया के अंदर, किस तरीके से हम वर्क करेंगे उसको देखते हैं। राइट क्लिक, यहाँ से आओ लो और एफ प्रेस करते हैं, यह है पार्ट गोजी के अंदर है सीधा, परफेक्ट गोजी के अंदर। अब गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ फिर कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी, ठीक है, अब देखिए गाइस जहाँ मैंने क्रीज टूल का यूज़ किया था वो सही आ रहा है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट, सारे पार्ट्स मेरे क्लियर हो चुके हैं। तो गाइस इसकी मुझे स्क्रिप्टिंग करनी है, स्क्रिप्टिंग करने से पहले मुझे कुछ काम करना होगा, पहले जो रफली आइडियाज़ ले लेते हैं कि मेरा कहाँ चेज होगा, कहाँ मेरे जो है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं या समथिंग, जूम करो एंड आते हैं अपने इस टूल के अंदर। इस टूल के अंदर हमने जो टूल लिया था इन्फो, इसको दोबारा ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा एस की के साथ बड़ा कर लेते हैं, समथिंग इसका जो है, परफेक्ट। अब गाइस शिफ्ट के साथ क्लिक करो इसे और यहाँ से बैक लेके आओ, थोड़ा इसका जो ट्यूटोरियल है गाइस मेरा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें मुझे पार्ट बाई पार्ट ही वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें सबसे पहले यहाँ स्क्रिप्टिंग करनी होगी ये, तो इसके लिए हमें पहले चलते हैं हम ट्रांसफॉर्म के अंदर, यहाँ एक्टिवेट नहीं हो रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर से दोबारा से गाइस यहाँ ले लेते हैं फोन एंड क्लिक करते हैं, परफेक्ट। उसके बाद गाइस आए यहाँ गोजी किया, गोजी लिया, कंट्रोल डी, फिर एडिट आ गए एडिट करने के लिए और यहाँ आए ट्रांसफॉर्म के अंदर, ऑप्शन नहीं दे रहा है ये, मूव ड्रॉ
ओके ठीक है गाइस, तो इसकी बात हम बाद में करेंगे, जब आप लोग कहेंगे तो मैं उस टाइम बनाऊंगा इसका ट्यूटोरियल, तो वो उसमें जो है आपको इजी वे में सारा के सारा पार्ट बताऊंगा। ओके गाइस, तो चलते हैं हम ट्रांसफॉर्म के अंदर दोबारा से, और यह एक्शन आ रहा है एक्टिवेट सिमेट्री, यहाँ क्लिक कर देते हैं और एक्स एक्सिस में कर लेते हैं गाइस, ठीक है, जिससे कि मैं अगर दोनों तरफ वर्क करता हूँ तो मेरा वर्क होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आए गाइस और मैंने अपना, ठीक है, परफेक्ट, थोड़ी सी मसल्स निकाल लेते हैं इसमें, ठीक है, परफेक्ट, कंट्रोल लिए एज ए डिफॉल्ट, फिर दोबारा से और कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे कि जो है मेरी ज्योमेट्री और स्मूथ दिखाई दें शिफ्ट के साथ। यहाँ से क्ले बिल्डअप ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा बिल्डअप कर लेते हैं, तो ये मैंने इस तरीके से कर लिया, थोड़ा सा पीछे का भी पार्ट चाहिए होगा मुझे यहाँ से समथिंग, उसको इस तरीके से मैंने बिल्डअप किया अपना थोड़ा सा, देन गाइस थोड़ा सा मूव किया, और यहाँ पर भी मुझे थोड़ी सी इसकी डेप्थ चाहिए होगी जो मेरी इस तरीके से आएगी, ठीक है, देन इस तरीके से, चेक करते चले जाते हैं कहीं प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, ठीक, परफेक्ट, थोड़ा सा इसको है इन्फ्लुएंस जो है वो कम कर लेते हैं, परफेक्ट। तो गाइस इस तरीके से मैंने थोड़ा सा इसको बिल्डअप किया है, और यहाँ आए थोड़ा सा ये पार्ट है मेरा, ठीक है, यहाँ आए इस तरीके से, परफेक्ट। अब गाइस आए इसको रोटेट किया और यहाँ से फ्रंट लिया, फ्रंट के बाद आल के साथ इसको मैंने रोटेट किया और यहाँ आए तो थोड़ा सा इसको उस तरीके से मूव किया, ठीक, परफेक्ट। अब गाइस यहाँ आते हैं थोड़ा सा, सॉरी रोटेट करते हैं, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपना साइज,
और यहाँ थोड़े से सीम्स देते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ निकाला थोड़ा सा पार्ट, एंड यहाँ पर थोड़ा इसी तरीके का पार्ट होगा मेरा। उसके बाद गाइस थोड़ा सा मुझे यहाँ पर अपना टूल लेना पड़ेगा आपका, ठीक है, स्लैथ। और यहाँ मैंने इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम कर लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है। गाइस इस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी डेप्थ दे दी। अब गाइस इसका फेस चेंज करते हैं, हम आते हैं क्ले बिल्डअप को लेके, और क्ले बिल्डअप से दोबारा से यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और सॉरी थोड़ा सा यहाँ मारते हैं, ठीक है। फिर लेते हैं गाइस अपना एथेन टूल जो पहले लिया था, एस्पेस कीजिए गाइस, और ये आ गया टूल मेरे पास। इसकी थोड़ी सी डेप्थ देते हैं, ठीक है। तो गाइस पार्ट बड़ा हो जाएगा मेरा, मैं बताता हूँ आप लोगों के लिए दूसरे सेकंड ट्यूटोरियल में। थोड़ा सा और स्क्रिप्ट करना पड़ेगा हम लोगों के लिए, समथिंग तीन पार्ट बनेंगे मेरे स्क्रिप्टिंग के। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए गाइस अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।